हेलो कायनातीस, हमारी जमीन एक सैयारा है जो अपने सितारे सूरज के गिर्द घूम रही है। और भी सैयारे हमारे निजामे शमसी का हिस्सा हैं जो हमारे सूरज के गिर्द घूम रहे हैं। और हमारा सूरज जो है वो एक सितारा है हमारी कहकशां मिल्की वे का। अब एस्ट्रोनॉमर्स ने कई और सितारे दरियाफ्त किए हैं हमारी मिल्की वे में, जिनके गिर्द सैयारे भी मौजूद हैं। मगर अभी ये जो जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप है, उसने काफ़ी एक सरप्राइजिंग एक दरियाफ्त की है, जिसमें उन्होंने बहुत सारे फ्री फ्लोटिंग सैयारे, यानी कि सैयारे जो किसी सितारे के गिर्द नहीं घूम रहे, वो दरियाफ्त किए हैं। एक बहुत ही खूबसूरत एक नेब्यूला है, ओरायन नेब्यूला, वो उसमें। इसका मतलब ये है कि शायद हमारी कहकशां में सितारों के दरमियान भी शायद बहुत सारे सैयारे मौजूद हों। यह है कायनाती गपशप और मैं हूं सलमान हमीद। ओरायन नेब्यूला रात का एक बहुत ही खूबसूरत एक ऑब्जेक्ट है। ये आप एक दूरबीन से भी देख सकते हैं और एक छोटी टेलीस्कोप से भी आपको सर्दियों के ज़माने में आपको एक फजी सा आपको ब्लॉब नज़र आएगा। बल्कि मैं ये कहूँगा कि अगर आपने इसको पहले टेलीस्कोप से नहीं देखा, तो अब जब सर्दियाँ आ रही हैं तो आप किसी एमेचर एस्ट्रोनॉमी ग्रुप, अगर आपके शहर में हैं, आप उनको कॉन्टैक्ट करें और कोशिश करें कि आप टेलीस्कोप से ओरायन नेब्यूला को देखें। यह दरअसल एक गैस का नेब्यूला है जिसके अंदर नए सितारे बन रहे हैं। यह हमसे तकरीबन 1300 लाइट ईयर्स के फासले पर है और यह काफी करीब है। इस वजह से एक तो यह है कि वो हमें अच्छा नजर आता है और दूसरी वजह यह है कि हम इसको अच्छी तरह से स्टडी कर सकते हैं कि सितारे इस किस्म के गैस क्लाउड्स में कैसे बनते हैं। हमारा अपना सूरज गालिबन इसी किस्म के नेब्यूला में आज से 4.5 अरब साल पहले बना था। लेकिन इस वक्त जब आप ओरायन नेब्यूला को देखते हैं, तो वहां पर आपको कुछ हजार सितारे जो हैं, जो हाल ही में बने हैं, वो आपको नजर आते हैं। अब ये जो टोटल उसका जो ओरायन नेब्यूला का एक लिहाज से हिस्सा है, वो तो 2/14 के चांदों से भी बड़ा है। तकरीबन 1 डिग्री वो ऊपर कवर करता है। लेकिन हमें जो हिस्सा जो छोटी टेलीस्कोप से नजर आता है, वो खाली उसके एक कोने का है। और इसकी वजह यह है कि वहां पर ये कुछ बड़े नए बड़े सितारे बने और उनकी रेडिएशन की वजह से, उनकी गर्मी की वजह से, उनकी रोशनी की वजह से, उन्होंने इस क्लाउड में, इसको बड़े क्लाउड को मोलेक्युलर क्लाउड कहते हैं, उसमें उन्होंने एक लिहाज से सुराख कर दिया है, एक लिहाज से उसमें उन्होंने कैविटी बना दी है। और उसकी वजह से हमें ज़मीन के ऊपर एक व्यू मिलता है कि हम उस नेब्यूला के अंदर देख सकें। बल्कि हैरत अंगेज चीज़ यह है कि ये जो एक बहुत बड़ा एस्ट्रोनॉमर था टॉलमी, ये 1st century AD में, और अल सूफी, जिनकी एक बहुत मशहूर किताब है द बुक ऑफ फिक्स्ड स्टार्स, जो 8वीं या 9वीं सदी में थी, इन दोनों ने बहुत एहतियात से सितारों की ऑब्जर्वेशन की, लेकिन उन्होंने ओरायन नेब्यूला को नोट नहीं किया। तो ख्याल ये है कि गालिबन ये जो कैविटी बनी, जिसकी वजह से अब हमें ओरायन नेब्यूला का नज़र आता है, वो पिछले 1000 साल में हुई होगी। तो ये एक फैसिनेटिंग चीज़ है। नॉर्मली हम एस्ट्रोनॉमर्स में, एस्ट्रोनॉमी में, हम अरबों सालों की बात करते हैं, लेकिन यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये इतना प्रोमिनेंट ऑब्जेक्ट, इतना अहम ऑब्जेक्ट जो है, वो गालिबन पिछले 500 या 1000 साल में वो तब्दील हुआ और अब हमें नज़र आता है। चलें, मैंने इतनी तारीफ कर दी ओरायन नेब्यूला की, तो मैं ये भी कहता चलूँ कि मेरा ख्याल है कि मेरी एक सबसे पसंदीदा कायनाती गपशप जो है, वो भी इसी सिलसिले में है, जिसको आप चेकआउट करें। वो है अ डाइव इनटू द ओरायन नेब्यूला। और उस कायनाती गपशप में
हबल स्पेस टेलीस्कोप के इमेजेस को एक्सप्लोर किया था और खासतौर से एक उसमें साइंटिफिक विजुअलाइजेशन थी एक्चुअल डेटा के हिसाब से कि अगर अब विजिबल लाइट में आप ओरायन नेबुला की ये जो कैविटी है आप उसके अंदर हो तो आपको कैसा लगेगा और वहां पर किस तरीके से नए सितारे बन रहे हैं। अब ज्यादातर वहां के सितारे जो हैं वो बहुत नौ उम्र हैं, कुछ तो बल्कि कुछ लाख साल पुराने हैं और कुछ सितारे अभी भी बनते चले जा रहे हैं। और याद रखें जो मैंने पहले कहा कि हमारे लिए ओरायन नेबुला जो है वो एक तरीके से हमें इंफॉर्मेशन देता है कि गालिबन हमारा अपना सूरज वो इसी किस्म के नेबुला में बना था, आज उसकी गैसेस हमारे आसपास नहीं, आज उसके जो सात सितारे बने थे वो पता नहीं कहां हैं, वो घूम फिर गए हमारी कहकशा में। लेकिन ये एक अच्छी मिसाल है कि अगर आपने हमारे अपने सूरज हमारे अपने निजाम शमसी के बारे में सीखना है तो ओरायन नेबुला जो है वो एक अच्छी जगह है। अब एस्ट्रोनॉमर्स को काफी हद तक पता है कि सितारे और सैयारे किस तरह से बनते हैं, खासतौर से सितारों के सिलसिले में हमें पता है कि किस तरह से बड़े सितारे बनते हैं और किस तरीके से छोटे सितारे बनते हैं और कितनी मकदार में रिलेटिव एक दूसरे के हिसाब से। हमें यह भी पता है कि ये जो सितारे की डेफिनेशन है जिसको एस्ट्रोनॉमर्स देते हैं वो ये कहते हैं कि उसके जो न्यूक्लियर रीजन है या उसका जो कोर है उसके अंदर हाइड्रोजन गैस जो है वो फ्यूज करती है हीलियम में। ये एक लिहाज से हमारे लिए सितारे की डेफिनेशन है। ये कुछ और फेल्ड सितारे भी हैं जिनको एस्ट्रोनॉमर्स कहते हैं ब्राउन ड्वार्फ्स। वो जुपिटर से तकरीबन 10-15 गुना ज्यादा बड़े होते हैं मादे में। उनके अंदर जो है वो फ्यूजन जो है वो हाइड्रोजन की नहीं हो सकती क्योंकि उनका ज्यादा मादा नहीं, लेकिन उसमें ड्यूटेरियम की फ्यूजन होती है। तो हमें यह तो पता था कि सितारे जो हैं वो काफी छोटे साइज के होते चले जाते हैं और ये जो फेल्ड सितारे हैं ब्राउन ड्वार्फ्स वो जो जुपिटर के मास से तकरीबन 10-15 गुना ज्यादा बड़े हैं वो भी पाए जाते हैं। लेकिन इसके बाद जो सैयारे हैं वो एस्ट्रोनॉमर्स को ये पता था कि वो सितारों के गिर्द ही बनते हैं। उसकी और वजूहात हैं कि किस तरीके से प्रोटोप्लैनेटरी डिस्क होती है और किस तरीके से उस डिस्क से सैयारे जुपिटर सैटर्न जैसे या छोटे सैयारे जिस तरह जमीन या वीनस या मार्स हैं वो किस तरीके से बनती हैं। अब जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप जो इंफ्रारेड लाइट में काम करती है उसने ओरायन नेबुला की बहुत जबरदस्त किस्म की तस्वीरें ली। ये तकरीबन 3000 इमेजेस हैं जिसका उन्होंने एक मोज़ेक बनाया एस्ट्रोनॉमर्स ने और उनको उसमें एक हैरत अंगेज चीज नजर आई। उन्होंने ये देखा कि उसके अंदर तकरीबन 540 ये सैयारे दरियाफ्त हुए जो किसी सितारे के गिर्द नहीं थे, यानी कि ये फ्री फ्लोटिंग सैयारे थे। और ना सिर्फ ये बल्कि इसमें से 9% या तकरीबन 42 पेयर्स हैं, यानी कि 42 ऐसे सैयारे हैं जो एक दूसरे के गिर्द घूम रहे हैं। इनको एस्ट्रोनॉमर्स ने नाम दिया जम्बोस, यानी कि जुपिटर मास बाइनरी ऑब्जेक्ट्स। ये भी हम जम्बोस के सिलसिले में तो जरा और बात करेंगे, लेकिन ये सैयारे जो हैं वो हबल स्पेस टेलीस्कोप ने क्यों नहीं दरियाफ्त किए? इसकी वजह यह है, जैसा मैंने अभी पहले कहा, कि जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप इंफ्रारेड में काम करती है और इंफ्रारेड की एक बात यह है कि वो आराम से एब्जॉर्ब नहीं होती। मतलब यह है कि अगर कोई ये जो नेबुला और गैस और डस्ट के क्लाउड के बीच में से अगर कुछ रोशनी आ रही है, इंफ्रारेड रोशनी जो है वो ज्यादा आराम से एस्केप हो जाती है। तो जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप गैस और डस्ट का एक लिहाज से थ्रू वो देख सकती है। लेकिन इसके अलावा एक दो और चीजें हैं। ये जो सैयारे हैं वो खुद अपनी रोशनी वो इंफ्रारेड में देते हैं, यानी कि ये रिलेटिवली नौ उम्र सैयारे हैं तो उनका जो अपना टेम्परेचर है वो तकरीबन 1000 डिग्री के करीब है और ये जो 1000 डिग्री है वो इंफ्रारेड रोशनी देती है। नॉर्मली जब आप सैयारों को हम डिटेक्ट करने की बात करते हैं या हमारे अपने निजामे शमसी के देखने की बात करते हैं तो वो अपने सूरज की रोशनी को
रिफ्लेक्ट करते हैं, लेकिन ये तो बगैर अपने सयाद सितारों के हैं, ये तो बिना सितारे सयारे हैं, तो वो रोशनी को रिफ्लेक्ट नहीं कर रहे, बल्कि उनकी जो अपनी गर्मी है ये उसको जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप डिटेक्ट कर रही है। और जो तीसरी वजह है कि जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप इनको डिटेक्ट करने में कामयाब हुई, उसकी वजह ये है कि ये इसकी बहुत ज़्यादा रेजोल्यूशन है, मतलब ये है कि बहुत छोटी चीज़ों को वो डिटेक्ट कर सकती है, जो हबल स्पेस टेलीस्कोप की भी यही एक बहुत बड़ी खूबी थी। तो और इंफ्रारेड टेलीस्कोप्स मौजूद रही हैं, लेकिन उनकी रेजोल्यूशन या उनकी जो बारीकी के देखने में उनका इतना काम नहीं था। तो जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप इंफ्रारेड में देख रही है ऐसे सैयारों को जो नौ उम्र हैं, जो इंफ्रारेड रोशनी देते हैं और इतनी रेजोल्यूशन में कि वो इंडिविजुअल इंफरादी ये जो सैयारे हैं उनको वो डिटेक्ट कर सके। अब जरा हम आते हैं एक बहुत बड़े पजल की तरफ कि ये जो फ्री फ्लोटिंग सैयारे दरियाफ्त हुए वो बने कैसे। अब बहुत सारे सैयारों को तो आप ये कह सकते हैं कि गालिबन वो उसी तरह से बने जिस तरह से हमारे अपने निज़ाम शमसी के सैयारे बने हैं, लेकिन वो किसी वजह से, और बहुत सारी वजूहात हो सकती हैं, किसी वजह से वो अपने निज़ाम शमसी से इजेक्ट हो गए, यानी कि कोई ग्रेविटेशनल इनकाउंटर हुआ। इनफैक्ट एस्ट्रोनॉमर्स का ज़्यादातर ख्याल इस किस्म के फ्री फ्लोटिंग प्लैनेट्स के बारे में यही है कि वो इजेक्ट हो गए होंगे, लेकिन बने एक निज़ाम शमसी के अंदर ही हों। एस्ट्रोनॉमर्स ने इससे पहले भी कुछ चंद फ्री फ्लोटिंग सैयारे जो हैं वो दरियाफ्त किए थे, और यही प्रिडिक्शन थी कि वो किसी निज़ाम शमसी से इजेक्ट हो गए। लेकिन ये जो जम्बोज हैं, जो बाइनरी प्लैनेट्स हैं, यानी कि दो जुपिटर के मास जितने प्लैनेट्स एक दूसरे के गिर्द घूम रहे हैं, इनको किस तरीके से एक्सप्लेन करें। अब कुछ तो आप ये सोच सकते हैं कि क्या वो वाकई बाइनरी सैयारे हैं या हमें एक दूसरे के करीब वो खाली नजर आ रहे हैं। तो एस्ट्रोनॉमर्स का ख्याल ये है कि क्योंकि ये 9% सैयारे जो दरियाफ्त हुए हैं फ्री फ्लोटिंग वो पेयर्स में हैं, तो ये बहुत ज़्यादा चांस है कि वो एक्चुअल में एक दूसरे के गिर्द ऑर्बिट कर रहे हैं। तो फिर सवाल ये होता है कि वो कैसे बने। अगर वो इजेक्ट हुए हों किसी निज़ाम शमसी से, तो वो एक दूसरे के ऑर्बिट में कैसे आ गए। तो ये बहुत बड़ा पजल है। इसका जवाब क्या है पता नहीं। ये अभी दरियाफ्त हुए हैं और अब एस्ट्रोनॉमर्स इसको तलाश कर रहे हैं कि इसकी एक्सप्लेनेशन क्या है, वो कैसे फॉर्म में हो। लेकिन एक बड़ा ही जबरदस्त किस्म का एक सोल्यूशन है, और सोल्यूशन इस चीज के ऊपर है कि शायद ये ऐसे सैयारे हैं जिन्होंने सितारा बनना था, लेकिन उनके आसपास की जो नेबुला की गैसेस हैं वो इवेपोरेट हो गई और वो छोटे से सैयारे रह गए। कैसे? वो याद है आपसे बात हुई थी शुरू में कि ये जो बड़े सितारे बनते हैं जो ओरायन नेबुला में भी हैं, उनकी जो रेडिएशन है, उनकी जो रोशनी है, उनकी जो गर्मी है, वो एक लिहाज से उस गैसेस को इवेपोरेट करती है। इसी तरह से ये ओरायन नेबुला की कैविटी बनी। अब आप सोच सकते हैं कि इस किस्म की गैसेस जो है, इस किस्म की रेडिएशन जो है, वो जो अगर वो उस गैसेस को इवेपोरेट करे जो किसी सितारे के गिर्द हैं, तो वो उस सितारे को बनने से रोक सकती हैं। तो एक ख्याल ये है कि ये जो जम्बोज हैं ये वो बाइनरी सितारे थे, और आधे से ज़्यादा सितारे जो हमारी कायनात में हैं वो बाइनरी हैं, यानी कि दो सितारे एक वक्त में बन रहे हैं या तीन या चार। तो ख्याल ये है कि ये जो जम्बोज हैं वो दो सितारे थे जो बन रहे थे, वो प्रोटोस्टार की फेज के ऊपर थे, और अभी उनको और गैस चाहिए थी अपना मादा और जमा करने के लिए। लेकिन ये जो दूसरे बड़े सितारे हैं उनकी रेडिएशन, उनकी रोशनी की वजह से उनके आसपास की गैसेस जो हैं वो इवेपोरेट हो गई और वो छोटे से जुपिटर के साइज के मादे रह गए, यानी कि उनको एस्ट्रोनॉमर्स जो हैं वो सैयारे कहते हैं। तो यानी कि इनके बनने का मैकेनिज्म, ये जो जम्बोज हैं, ये जो बाइनरी हैं जो जुपिटर के मास जितने, बिल्कुल फर्क है
हमारे अपने जुपिटर और सैटर्न जैसे सैयारों का हमारे अपने निजामे शमसी के बनने का मैकेनिज्म। तो ये एक थ्योरी है, पता नहीं कि ये सही है या नहीं, लेकिन मेरा ख्याल है कि ये एक फैसिनेटिंग आइडिया है और अब एस्ट्रोनॉमर्स उसको और स्टडी करेंगे कि क्या हम इस किस्म के जंबोस को बनते हुए देख सकें। जाने से पहले जरा एक बोनस फीचर की बात, अगर आप दोबारा से इस ओरायन नेब्यूला की तस्वीर देखें जो जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप ने ली, इसमें आपको जो सबसे जो प्रोमिनेंट चीज नजर आ रही है वो ये आपको स्ट्रीमर्स नजर आ रहे हैं, ये बाओशॉक किस्म की चीजें नजर आ रही हैं, ये इसके अंदर ये शॉक वेव्स हैं और इसकी टिप्स के ऊपर आपको उसके अंदर नए सितारे भी बनते हुए नजर आ रहे हैं जिनको हम प्रोटोस्टार कहते हैं। लेकिन ये जो बाओशॉक्स हैं, ये जो शॉक वेव्स हैं, वो कुछ 100 किलोमीटर फी सेकेंड के हिसाब से दूसरी डायरेक्शन में चली जा रही हैं। अब एस्ट्रोनॉमर्स ने ट्रेस किया कि ये शॉक्स जो हैं वो कब चले थे, तो उन्होंने एस्टिमेट ये लगाया है कि 3 सितारे बड़े साइज के, बड़े मादे के, वो टकराए थे एक दूसरे से, उनका मर्जर हुआ था और उस धमाके की वजह से ये शॉक वेव्स चली और ये शॉक वेव्स अब आपको इस नेब्यूला में नजर आ रही हैं। और इन शॉक वेव्स के अंदर, क्योंकि गैस कंप्रेस होती है, वहां पर और नए सितारे बन रहे हैं। लेकिन उनका एस्टिमेट यह है कि ये जो 3 सितारों का मर्जर हुआ था वो आज से तकरीबन 500 साल पहले हुआ था। तो आपको याद है वो जो बात हुई थी कि क्या ओरायन में कैविटी बनी, हो सकता है शायद ये जो धमाका था, ये 3 सितारों का मर्जर था, शायद उसने भी इस चीज को कंट्रीब्यूट किया हो ओरायन नेब्यूला की कैविटी बनने में, जिसकी वजह से आज हमें ओरायन नेब्यूला की खूबसूरती नजर आती है रात के आसमान में। ये तमाम चीजें जो हैं वो बहुत ही कूल है। ये जो इमेज है जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप का वो भी जबरदस्त है। अगली दफा जब आप ओरायन नेब्यूला को देखें, छोटी टेलीस्कोप से भी या बड़ी टेलीस्कोप से, तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि वहां पर ना सिर्फ नए सितारे बन रहे हैं जिनके गिर्द सैयारे हैं, बल्कि बहुत सारे फ्री फ्लोटिंग सैयारे भी वहां पर मौजूद हैं। लेकिन इसका एक और एक दिलचस्प कॉन्सिक्वेंस है, वो ये है कि अगर इस किस्म के फ्री फ्लोटिंग सैयारे बेतहाशा मौजूद हैं इस ओरायन नेब्यूला में, इसका मतलब ये है कि ये हमारी कहकशा में, मिल्की वे में, वो भी बहुत सारे फ्री फ्लोटिंग सैयारे जो हैं वो मौजूद होंगे जो हमें डिटेक्ट तो नहीं होते क्योंकि अब वो इतने गर्म नहीं, लेकिन इसका मतलब ये है कि सितारों के दरमियान में जो जगह हैं जिसको इंटरस्टेलर मीडियम कहते हैं, उसमें गालिबन काफ़ी सारे सैयारे मौजूद होंगे। तो जब उम्मीद है कि एक वक्त पर इंसान जो है वो एक सितारे से दूसरे सितारे की तरफ भी जाएगा, अगर हमारे यहाँ से ज़मीन से हम प्रोक्सिमा सेंटोरी की तरफ जाते हैं, तो वैसे तो वो सफ़र बहुत लंबा है, लेकिन क्या पता कि उसके बीच में कुछ सैयारे भी मौजूद हों जिसको हम एक लिहाज से स्टॉपओवर के तौर पर इस्तेमाल कर सकें और इस तरीके से हम मुख्तलिफ सितारों की तरफ हम जाना शुरू कर दें।